आज हमारे साथ रजत जी हैं, तो इनसे हम डिस्कस करेंगे एलईडी लाइट के बिजनेस के बारे में कि हम कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, कितना मुनाफा हो सकता है। हेलो सर। थैंक यू सर। हमने पिछले वीडियो में यहाँ का असेंबलिंग यूनिट दिखाया था, तो आज हमें ये डिस्कस करना है सर कि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम कितने में स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो जिसके अंदर जो मेनली टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, उसके दो ही टूल्स हैं, एक है पंचिंग मशीन, एक है टिक्की फिटिंग मशीन। इन दो की कॉस्ट अगर हम ऐड ऑन करते हैं प्लस कुछ जो हमें सोल्डरिंग आयरन वगैरह ऐड ऑन करते हैं, तो ये मिनिमम 5000 रुपीज से कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ वो हल्के लेवल के और अच्छी क्वालिटी के, जैसे कि फिलिप्स या सिस्का वगैरह ब्रांड अपने बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे स्टार्ट कर सकता है। सर, इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग के लिए एक्चुअली क्या है कि हमारा फैक्ट्री का शेड्यूल इतना बिजी होता है, तो उसके लिए हमने क्या ऑप्शन ढूंढा है कि यूट्यूब से, जैसे हमारे पास कहीं पर्सन आ रहे हैं वो वीडियोस हमने अपलोड कर दिए वहाँ पे, प्लस उसके साथ साथ हमारी जो वेबसाइट्स है 8-10 वेबसाइट, वहाँ पे हर प्रोडक्ट की डिटेल्स दी गई है। इसके अलावा हमने खुद का चैनल बनाया हुआ है भगवती लाइटिंग इंडस्ट्रीज के नाम से, वहाँ पे जाके अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे हर प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे सोल्डर किया जाता है, कैसे DOB पे MOV और फ्यूज लगाया जाता है, कैसे टिक्की फिट किया जाता है, सारी वीडियो हमने अपलोड कर दिए। फिर भी किसी कस्टमर को अगर डाउट रहता है तो वो हमारे कस्टमर के लिए बात कर सकता है। सर, मान लिया कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम 5000 में स्टार्ट कर सकता है। एक दिन में अगर 8 घंटा बंदा काम करेगा तो कितना एलईडी बना सकता है? मैन पावर के ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर हम इन्हीं मशीनों के साथ मिनिमम 15x25 के कमरे में 30-40 गज के हम जगह के अंदर 10 बंदों अगर हम सेटअप लगा देते हैं, हर एक बंदा अगर अपना काम करता है, एक बंदा डिफ्यूजर फिट करता है, एक बंदा टिक्की फिटिंग मशीन से टिक्की फिट करता है, एक बंदा सोल्डरिंग करता है, एक बंदा ड्राइवर फिट करता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आइडिया है, जो हम अपनी लेबर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करते हैं, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का जो बल्ब होता है वो एक पर्सन की एवरेज आती है 300। इट मीन्स अगर हमारे पास 10 बंदों की मैन पावर है और हमारे पास 40-50 गज का एरिया है, तो हम अच्छी क्वालिटी के 3000 बल्ब बना सकते हैं। और जो नॉर्मल क्वालिटी के जो PP चाइना टाइप के बल्ब होते हैं, वो 10 मैन पावर के साथ हम 4-5000 बल्ब एक दिन में बना सकते हैं। तो एवरेज मान लिया कि अगर हम ये चाहते हैं सर कि कोई बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो एक महीने में, जैसे मान लिया कि एक एवरेज कितना बल्ब बना सकता है और उसकी कितनी कमाई हो सकती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हल्की क्वालिटी के बल्ब है उसकी जो एक मैन पावर की जो प्रोडक्शन आती है नियर अबाउट 400 आती है, और हम उसकी जो कैलकुलेशन जो करते हैं वो 1 से 1.5 रुपए के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम मानते हैं। इट मीन्स एक बंदा इसे काम करके मैन्युफैक्चरिंग करके मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रॉफिट होगा तो उसको नियर अबाउट 400-600 एक दिन का प्रॉफिट होगा। अगर वही चीज वो अच्छी क्वालिटी के बनाता है उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ते हैं 3 या 3-4 रुपीस, इट मींस उसको 900 के करीब प्रॉफिट हो जाएगा। सर, जैसे कोई बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है सर वो विदाउट ब्रांड करता है, तो विदाउट ब्रांड अगर करता है तो उसको कहीं सेल अगर करना चाहता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि विदाउट ब्रांड कोई बंदा लेना नहीं चाहता है, तो उसकी ब्रांडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसकी ब्रांडिंग के लिए हम कोई भी ब्रांड जो है अपना चूज कर सकते हैं। उसके लिए आप वेबसाइट है ipindia.nic.in और जो हमारी कैटेगरी है वो 11 है, वहां पे जाके वो सर्च आउट कर सकते हैं कि ये ब्रांड किसी का रजिस्टर्ड ना हो ताकि उसकी अगर वो अप्लाई करता है ट्रेडमार्क के लिए उसके ऑब्जेक्शन ना आए। और ब्रांड नेम मस्ट है, मैं तो हर कस्टमर से बोलूंगा कि ब्रांडिंग से वो स्टार्ट करे ताकि कल को उसका मार्केट में पहचान जो है ना व्यक्ति के नाम से नहीं उसके ब्रांड के नाम से जाना जाता है। सर, उसके लिए क्या फी वगैरह है, कोई आइडिया? ट्रेडमार्क के लिए जो फीस रहती है वो 6000 to 9000 रहती है, वो वेरी करती है प्रोपरेटिव फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या किस टाइप की फर्म है। नियर अबाउट 6000 to 11000 इसका अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस आता है ट्रेडमार्क करने के लिए, और 2-3 साल के अंदर अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति इंडिया का या कहीं बाहर का उस ब्रांड से बेच नहीं सकता, जैसे हम अगर है कोई भी पार्टी है वो कल को फिलिप्स के नाम से बेच नहीं सकती है। जी सर, जैसे मान लिया कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और सर स्टार्ट किया उसके बाद एक्चुअली हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि जितनी बड़ी आप मशीनें यूज कर रही है उतनी बड़ी बड़ी मशीनें हम यूज कर सके, क्योंकि वो काफ़ी महंगी होती है, अफोर्डेबल हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो
जैसे मान लिया कि हमने 4,000, 5,000 या 6,000 प्रोडक्शन करते हैं एक दिन का, तो अगर हम ब्रांडिंग आपके यहाँ से करवाना चाहें तो ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ब्रांडिंग बहुत सारे हमारे साथ नियर अबाउट 400-500 कस्टमर हैं जो हमारे साथ सिर्फ ब्रांडिंग काम करवाते हैं, वो यहाँ से पूरा रेडी प्रोडक्ट अपने ब्रांड से लेते हैं और मार्केट में सेल आउट करते हैं। ठीक है सर, अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए और कोई लाइसेंस की जरूरत होती है? वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लाइसेंस के डिफरेंट होते हैं, जैसे इनिशियली हम स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप के लिए ऐसा कोई लाइसेंस जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है तो उसके लिए अगर हमने बेनिफिट लेने हैं तो उसके लिए जैसे अगर हम GST नंबर अप्लाई कर देते हैं, जो हम टैक्स आपसे चार्ज करते हैं उसका आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। आपने मेरे को 12 लाख रुपये टैक्स दिया और आपके जो आप सेल आउट करोगे वो 12 लाख रुपये आपको दोबारा फिलअप नहीं करना पड़ेगा, उससे आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। और जैसे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना और अलग अलग, जब आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं तो काफ़ी स्कीम्स हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और मैं तो ये कहूँगा उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होंगे। सर इसकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मार्केटिंग जो हमारा फंडा है वो है सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो आपकी ब्रांडिंग, आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ न्यूकमर्स भी होते हैं, जो आप माइंड के अंदर जो हमारे आइडियाज़ आते हैं कि न्यूकमर कस्टमर कहाँ पे जाता है, वो मतलब ट्रेड फेयर्स के अंदर जाता है, जो एग्जीबिशन वगैरह लगती है, वो यूट्यूब पे चेकआउट करता है कि यूट्यूब पे कि कैसे बल्ब को बनाया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, वो वेबसाइट सर्च करता है, वो आप उसके लिए आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे B2B पोर्टल है जैसे आपका इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, तो इस तरह के पोर्टल्स पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। और सर अगर हम बिजनेस करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास 3 ऑप्शन होता है कि जैसे हम एज ए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास से मटेरियल लेके हम एज ए होलसेलर स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए रिटेलर स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका मिनिमम क्या चार्जेज है? जैसे अगर कोई होलसेलर एज ए होलसेलर आपसे मटेरियल लेना चाहता है तो मिनिमम कितने पैसे लगा कर ये बिजनेस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं? देखो हमने अपनी क्वालिटी की पॉलिसी के अंदर जितना बिलीफ है कि हम इनिशियली फर्स्ट टाइम के लिए हम कस्टमर को फुल फ्रीडम देते हैं, चाहे वो 10 पीस ले, चाहे वो 5 पीस ले, चाहे वो 100 पीस ले, चाहे वो 10,000 पीस ले, इनिशियली हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारे से हर आइटम के 800 आइटम के सिर्फ सैंपल भी लेना चाहता है तो हम सैंपल एक टाइम के लिए उनको दे देते हैं। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें मिनिमम इतना सेल आउट करना। तो मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मिनिमम 5,000 से भी बंदा अगर आपके यहाँ से मटेरियल लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कर सकता है, चाहे वो 100 रुपए से करे। जैसे ये बिजनेस सर स्टार्ट कर सकते हैं तो इसमें सरकार की कोई स्कीम है जो इसमें लोन लेने में या सब्सिडी देती है, इस तरह की कोई सरकार की स्कीम है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। अगर इवन बैंक के मैनेजर को भी आप पे थोड़ा सा विश्वास होता है कि कस्टमर जेन्युइन है, ये बैंक का कस्टमर है और काफ़ी दिनों से काम कर रहा है और इसके अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि जेन्युइन है, तो उसके अंदर मैंने कई कस्टमरों को देखा है जिन्होंने मतलब जो बिजनेस कर रहे थे और जिनके अकाउंट्स के अंदर कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं था, उन्होंने वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग काफ़ी कस्टमरों को 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक के लोन लिए हैं। उनके लिए उनको कोटेशन की ज़रूरत होती है, जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो कोटेशन वो बैंक में प्रोवाइड करते हैं और हम बैंक को लेटर पर लिख के देते हैं कि ये कस्टमर हमारे से इतने दिनों से बिलिंग करवा रहा है, हमारे से मटेरियल ले रहा है, तो वो उनको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, तो बैंक मैनेजर भी इजीली उनको लोन अवेलेबल करवा देता है जो कि काफ़ी चीपेस्ट होता है। और भी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जिसको पर्सन अवेल कर सकता है। सर कोई बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है आपके पास से मटेरियल लेता है तो आप क्या क्या हेल्प करते हैं उस बंदे को? देखो हमने हेल्प आउट करने के लिए जो हमारा वेबसाइट बनाया हुआ है, जो हम यूट्यूब पे बार बार बड़ी जल्दी आ रहे हैं, यूट्यूब पे हम वीडियोस दिखा रहे हैं, खुद हम डेली का 1-2 वीडियो अपलोड्स करते हैं, ये सारे बेनिफिट्स हमने कस्टमर के लिए दिए हुए हैं। दूसरा बेनिफिट जो कस्टमर को चाहिए होता है, एक अच्छा सप्लायर और अच्छा स्टॉक। कोई भी कस्टमर जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है, हम उसको पूरा फैक्ट्री विजिट करवाते हैं, हमारा पूरा स्टॉक विजिट करवाते हैं, तो उसे कस्टमर को इजीली बिलीव हो जाता है कि हमारा जो सप्लायर है वो जेन्युइन है। आपको अगर कल को 10,000 बल्ब की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ऑन द स्पॉट भगवती अवेलेबल करवा सकती है, और यही चीज़ें बिजनेस के अंदर मायने रखती हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास सिर्फ ऑफिस ही ऑफिस है, स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो एक गुड सप्लायर जो है वो हमारे कस्टमर ही बोलते हैं और वो हमारा स्टॉक बोलता है, वो हमारी मशीनें बोलती हैं कि, और हेल्प आउट करने के लिए हम इनिशियली कस्टमर को फैक्ट्री विजिट करवाते हैं अगर वो अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है, प्लस यूट्यूब वगैरह पे हमने वीडियोस अपलोड कर दिया है और उसको जो भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि जैसे कि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसका ट्रेडमार्क अप्लाई करना है
तो वो हम यहाँ से करवा देते हैं। अगर कोई कस्टमर कहता है उसको वेबसाइट बनवाना है वो हम यहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। कोई कस्टमर कहता है उसको MSME का सर्टिफिकेट बनवाना है वो हम यहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। कोई कस्टमर कहता है कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है और कैसे हम अपना प्राइस लिस्ट बनाएं, उसके बारे में हम कस्टमर को पूरा हेल्प आउट करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना हेल्प मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी करती है जितना रजत ने बताया। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट कर 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।